हेलो दोस्तों, सिंधी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में रामचरितमानस से अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में भी आपको मैं श्री राम और भरत संवाद जो है वो करवा रही हूँ। तो इसके कुछ पद जो है मैंने आप सभी को करवा दिए थे, और अब जो है मैं इसके आगे के पद जो है आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब सब आखिन देखव आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्नई निरखी मग सापिनी बिछी। बड़ा कर देती हूँ। अब सब आखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्हें निरखी सापनी बिछी, तजही विषम विसु तामस तीछी। तो यहाँ कहते हैं अब सब आखिन देख भाव कि अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया कि अब तो मैंने यहाँ आकर अपनी आंख से जो है ये सब कुछ स्वयं ही देख लिया। जियत जीव जड़ सबई सहाई, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहेगा कि ये जो सारी चीजें हो रही है वो जीते जी जो है वो सब सहेगा। जिन्हें निरख ही मग सापनी बिछी, और जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बिछी भी, तो सांप जो है वो रास्ते की और बिछ गए। तजही विषम विषु तामस तीज, और तीव्र क्रोध को जो है त्याग देती है। तो यहाँ पर जो है राम जी को देख के, मतलब कहने का मतलब यही है कि प्रभु को देख कर जो सांप है वो भी अपने भयानक विष को छोड़ देती है और अपना क्रोध जो है वो त्याग देती है। आगे है, आगे देखिए, इसके दोहा दिया हुआ है। तेरे रघुनंदन लखनऊ ये अनहित लागे जाही, तासु तने तज दुख सह दुख तेउ सहावई काही। तो यहाँ कहते हैं कि ते रघुनंदन की वे ही रघुनंदन लखनऊ यानी लक्ष्मण और सीता अनहित लागे जाही, जिसको शत्रु जान कर तासु तने तज दुसह दुख कि उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसा की दुसा दुख और ये दुख जो है वो कौन सहेगा कि ये वे ही रघुनंदन है, जो ये रघुनंदन वही है, सीता जी और लक्ष्मी वही हैं जिनको शत्रु जानकर उस केकई के पुत्र को छोड़कर ये जो देव ये जो दुख मिला है वो कौन सहेगा, उसी को तो सहना सारा पड़ेगा। क्योंकि भरत जी को ही तो ये दुख सारा सहना पड़ेगा, जो ये चीजें उनको सुननी पड़ेगी, उन्हीं के ऊपर ये सारी बातें जो है आ गई है। आगे है, सुनी अति विकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नगसानी, शोक मगन सब सब खबारू, मनह कमल बन परे उसारू। तो यहाँ कहते हैं सुनी अति विकल भरत कि अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई, ये जो भरत जी की बातें हैं, भरत जी के दुख व्याकुल प्रीति नीति ये सारी बातें सुनकर वहां जितने भी लोग थे, लोक मगन सब सभा खबार कि वहां उस सभा में वहां जितने भी लोग थे सब उस शोक में मगन हो गए, सारी सभा में जो है दुख छा गया। मनह कमल बन पर उतारो कि मानो कमल के वन पर, कमल के जो वन है उस पर पाला पड़ गया हो। तो भरत जी की ऐसे बात सुनकर सभी के मन पर ऐसा लगा कि पाला पड़ गया हो। आगे फिर है,
कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्नी मनी मुनि म्यानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल केरव बन चंदु। तो यहाँ कहते हैं कही अनेक विधि कथा पुरानी, कि तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने जो है अनेक पुरानी जो है उन्होंने कथा यहाँ कही है। भरत प्रबोध किन्नु मुनि सैन, कि भरत जी के जो ये समस्या है उसका समाधान उन्होंने कई प्रकार की कथाएं सुनाकर किया। बोले उचित बचन रघुनंदु, फिर रघुनंदन जो है उचित वचन सुनकर जो है वहां रघुनंदन राम जी बोले, दिनकर कुल कैरव बन चंदू, कि सूर्य इस सूर्य के कुल रूपी वन में प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा। यहाँ राम जी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है कि जब वशिष्ठ जी की ये कहानियां सुनी हुई समाधान की, भरत जी के समाधान की, उसके बाद सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तो वो क्या बोले, तात जाए जी करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। यहाँ कहते हैं तात जाए जी करहु गलानी, कि हे तात तुम अपने हृदय में जो है बिना बात की यानी व्यर्थ की जो है तुम गलानी कर रहे हो। इस अधीन जीव गति जानी, कि जीव की जो ये गति है उसको ईश्वर के अधीन मानो, कि भगवान ने ही किया है इसीलिए ये चीज हो रही है, इसको ईश्वर के अधीन मानो, ईश्वर की चीज स्वीकार करो। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, कि मेरे मत में तीनों काल और तीनों भुवन के सब पुण्यात्मा पुण्य लोक तात तत मोरे, कि तुम तो मेरे तीनों भवन तीनों लोक के पुण्य पुण्यात्मा सब जो है तुम से नीच, कि जितने ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के साथ पुण्यात्मा पुरुष तुम से नीचे है, तो ये सारे जो है तुमसे नीचे है, तुम इतने इसमें महान हो। आगे है, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जन हिनी जर तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं से। तो यहाँ कहते हैं उर आनत तुम पर कुटिलाई, कि हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से, कि कभी हृदय में भी जो है तुम पे कुटिलता का आरोप करने से, जाई लोक पर लोक नसाई, यह लोक और जो ये परलोक है वो बिगड़ जाता है और परलोक भी जो है नष्ट हो जाता है अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोच रहे। अगर जो है हृदय में भी कुटिलता का कोई आरोप आ गया हो, कोई आरोप कोई आ जाए, तो उससे क्या होगा, लोक भी बिगड़ ले जाएगा और परलोक यानी कि मरने के बाद जहां व्यक्ति जाता है वो भी, दोनों ही लोक जो है बिगड़ जाएंगे। दोष देही जन नहीं जर तेई, कि केकई को तो वे ही लोग मूर्ख, वे ही मूर्ख लोग जो है दोष देते हैं, कि केकई माता को जो लोग दोष दे रहे हैं तो वो मूर्ख है जो लोग उनको दोष दे रहे हैं। जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, कि जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, जिनको उसका ज्ञान नहीं है, केवल वही लोग उस चीज का उनको दोष दे रहे हैं कि इन्हीं के कारण सब हुआ है। फिर यहाँ पे दोहा आ जाता है, मिटहिं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखुई, सुमिरत नाम तुम्हार। तो यहाँ कहते हैं कि हे भरत, मिटहिं पाप प्रपंच सब, कि तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच यानी जो अज्ञान है छल है, और सब अखिल मंगल भार की जितने भी अमंगल के समूह है सब क्या है, भरत के नाम लेने से, तुम्हारे नाम लेने से ही सब मिट जाते हैं। लोक सुजसु पर लोक सुखी, कि इस लोक में सुंदर यश जो
सुंदर यश जो है वह प्राप्त होगा और परलोक भी में भी उसको सुखी प्राप्ति होगी जो तुम्हारा नाम लेगा। का चौपाई है, कहूं सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रख राउरी राखी, तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम पै नहीं तो रही दुआए। यहाँ कहते हैं कहूं स्वभाव सत्य शिव साखी कि हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता, कहूं स्वभाव कि मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ और इस बात के लिए शिव जी जो है वो मेरे साक्षी है। भरत भूमि रह राउरी राखी, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है कि तुमने ही जो इस पृथ्वी का भार रखा हुआ है, तुम्हारे ही भार से ये पृथ्वी, तुम्हारे कारण जो है पृथ्वी यहाँ रखी हुई है। तात कुतरक करहु जन जाए कि हे तात, तुम जो है बिना बात के यहाँ पर व्यर्थ में कुतर्क कर रहे हो, कुतर्क ना करो। बैर प्रेम नहीं दुरई छिपाए कि वैर और प्रेम कोई कितना भी छुपाना चाहे तो व्यक्ति जो है उसको नहीं छुपा सकता। तो तुम्हारा प्रेम क्या है इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। आगे है, मुनिगण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पच्छित जाना, मानस तन गुण म्यान विधाना निधाना। यहाँ कहते हैं मुनिगण निकट विहग मृग जाही, पशु और पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, मतलब वहां उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, वो मुनियों के पास पशु पक्षी जो है बेधड़क चले जाते हैं। बाधक बधिक बिलो की पराही, पर हिंसा करने वाले जो बधिक होते हैं उनको देखकर कि ये मुझे जान से मार देंगे, उनको देखते ही क्या है वो भाग जाते हैं। हित अनहित पशु पच्छिन जाना कि हित और अनहित यानी कि जो मित्र और शत्रु की पहचान, इस बात को पशु पक्षी भी जानते हैं। मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना, फिर मनुष्य तो शरीर से और मनुष्य के अंदर जो है शरीर और गुणों का भंडार है, जब इस चीज को पशु पक्षी समझ सकते हैं तो मनुष्य तो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। आगे है, तात तुम्ही मैं जानू नी के करो काह असमंजस जी के, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरो प्रेम पन लागी। तो यहाँ कहते हैं कि हे तात, तात तुम्ही मैं जानू नी के कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, करो काह असमंजस जी के, क्या करूं जी में बड़ा असमंजस है, बहुत ही बड़ी दुविधा है। राघव राय सत्य मोहि त्यागी कि राजा ने मुझे त्याग कर, यानी कि जो राजा हैं दशरथ, उन्होंने तो मुझे त्याग दिया और अपने सत्य को सामने रखा, अपना सत्य जो है सामने रखा, अपना वचन सामने रखा। तन परे हो प्रेम पन लागी और प्रेम पन के लिए जो है अपना शरीर को छोड़ दिया कि प्रेम तो वो मुझसे करते थे लेकिन वो जो उन्होंने प्रण लिया था कि तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, और इसके कारण जो है उन्होंने अपना शरीर तक छोड़ दिया। आगे है, आसु बचन मेटत मन सोचू, तो यहाँ कहते हैं तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहित अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरु मोहि आयुष दिन्हा, अवसी जो कहू चहू सोई किन्हा। तो यहाँ कहते हैं तासु वचन मेट मन सोचू कि उनके वचन को मेटते मैं मन में अपने सोचता रहता हूँ, तेहित अधिक तुम्हार संकोच कि उससे भी बढ़कर जो है तुम्हारा ये संकोच है। ता पर गुरु मोहि आयुष दिना और उस पर से गुरु ने तो मुझे आज्ञा भी दे दी है, अवसी जो कहूँ चहू सोई किन्हा कि इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तो ये जो है राम जी जो है भरत जी को कह रहे हैं जब तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा। चलिए फिर इसके बाद जो है दोहा आ रहा है,
मनु प्रसन्न कर संकुच तजी, कहो करो सोई अजू, सत्य सेंद रघुवर वचन, सुनी भा सुखी समाजु। तो यहाँ कहते हैं मनु प्रसन्न कर संकुच, कि तुम अपने मन को प्रसन्न करो और संकुच तजी यानी संकोच को त्याग कर दो। कहो करो सोई अजू, और जो कुछ कहूँ कहो मैं आज वही करूँ, कि तुम जो कुछ कहोगे और तुम अपना संकोच छोड़ दो, त्याग दो, और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। सत्य संद रघुवर वचन सुन, कि सत्य प्रतिज्ञा, सत्य की प्रतिष्ठा रखने वाले रघुवर की ये बात सुनकर, राम जी का ये बात सुनकर सारा समाज क्या है, सुनी भा सुखी समाज हो, ये इस बात सुनकर सारा समाज जो है सुखी हो गया। उन्होंने कहा कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, तो ये बात सुन के सारा समाज जो भी वहां उपस्थित थे सब वहां पे बहुत खुश हो गए। आगे है, सुरगन सहित सबै सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। यहाँ कहते हैं सुरगण सहित सभय सुर राजू, कि देव गणों सहित देवराज इंद्र भी, सुरगण सहित सुभय सुर, कि देवगण सहित जितने सुर यानी कि जो देवगण होते थे उनके सहित जो देवराज है इंद्र वहां पे ये बात सुनकर भयभीत हो गए। सोच ही चाहत कौन अकाजू, अब बनाया बना बनाया काम जो है वो बिगड़ना ही चाहता है, जो बना बनाया काम है वो बिगड़ने वाला है। बना तो उपाय करत कछ नाही, कि अब तो कुछ उपाय करते हुए भी नहीं बनता है। राम शरण सब के मन माही, कि तब से सब मन ही मान श्री राम जी की शरण में सब गए हैं, अब तो कुछ नहीं बनता। आगे है, बहुर विचार परस पर कही, रघुपति भगत भगति सब बस अही, सुधी करी अव अम्ब ऋष दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। तो यहाँ कहते हैं बहुरी विचार परस्पर कही, कि वे सब जो है फिर आपस में विचार करने लगे, रघुपति भक्ति भगत भक्ति बस आई, कि श्री रघुनाथ जी को भक्त की भक्ति के वश में है, यानी कि कहा भी जाता है कि भक्त के वश में है भगवान। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है सब आपस में विचार करने लगे कि जो श्री राम जी है वो भक्त की भक्ति के वश में है, यानी जो उनका भक्त भरत है वो उनको जो कहेंगे वो उस बात को मानेंगे। सुधी करी अम्बर ऋषि दुर्वासा, कि अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो भेसुर सुरपति निपट निराशा, कि देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। इनकी घटनाओं को याद करके जो है देवता और इंद्र भी निराश हो गए। आगे है, सहे सुरन बहु काल विषादा, न रही किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कही सुंदरी माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। तो यहाँ कहते हैं सहे सुरन बहु काल विषादा, कि पहले देवताओं ने बहुत समय तक बहुत दुख सहा है। पहले देवताओं ने जो है मतलब जो ये राक्षस थे उनकी वजह से जो देवता है उन्होंने हमेशा ही दुख सहा है। नर हरि क्रिय प्रगट प्रहलादा, तब भक्त प्रहलाद ने जो है नरसिंह भगवान को प्रगट किया था। लगी लगी कान कही धुनी माथा, सब देवता जो है परस्पर कानों में से लग लग कर और से धुन कर जो है आपस में ये बात कहने लगे, अब सुर काज भरत के हाथ, कि अब देवताओं का जो ये काम है वो भरत जी के हाथ में है, कि वो क्या फैसला यहाँ करते हैं। आगे है, आन उपाओ न देख ही देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिये सप्रेम सुमरही सब भरत ही, निज गुण सील राम बस करत ही। तो यहाँ कहते हैं आन उपाय न देख ही देवा, कि हे देवताओं और कोई उपाय जो है वो नहीं दिखाई देता, मानत राम सुसेवक सेवा,
राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को ही मानते हैं। अर्थात मतलब ये है कि जब कि कोई अगर उनके भक्त की सेवा करता है, भगवान के भक्त की कोई सेवा करता है, तो उस पर वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ही सप्रेम सुमिरहु सब भरत है कि अपने गुण और शील से राम जी को वश में करने वाले ही सप्रेम, अपने भरत जी के अंदर ऐसा गुण है, ऐसा शील भावना है कि उन्होंने श्री राम को अपने वश में कर रखा है। निज गुण शील, निज गुण कि अपने निज गुणों से, शील व्यवहार से जो है राम को अपने वश में कर लिया है। सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित इस बात को याद करो, इस चीज का स्मरण करो कि उन्होंने जो है अपने वश में कर रखा है। उसके बाद जो है दोहा है, सुनि सुरमत सुरमत सुरगुर कहियो भलत तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। तो यहाँ कहते हैं सुनि सुर मत सुरगुरु कहो, कि देवताओं का ये मत सुनकर सुरगुरु कहो, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति ने कहा भल तुम्हार बड़ भागो, कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे जो है वो बड़े भाग्य है, तुमने तो बहुत अच्छा विचार किया, तुम्हारे बहुत अच्छे भाग्य है। सकल सुमंगल मूल जग कि भरत के चरणों में सभी का सुमंगल है, सभी का मूल है। भरत चरण चरण अनुराग कि भरत के चरणों का जो ये प्रेम है, अनुराग है, सभी के लिए मूल, मंगलों का सूचक है, मंगलों का मूल है। आगे फिर इसके बाद चौपाई आ जाती है, सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई, भरत भगत तुम्हारे मन आई तजहु सोच विधि बात बनाई। यहाँ कहते हैं कि सीतापति सेवक सेवकाई कि सीता नाथ, यानी कि जो सीता के पति कौन है, श्री राम जी के सेवकों की सेवा कामधेनु से सरी ससुहाई, सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है कि सीता के पति श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं की सेवा करने के समान सुंदर है। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई कि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तजहु सोच विधि बात बनाई कि अब जो है तुम सारी सोच छोड़ दो, विधाता ने जो है ये बात बना दी है, विधाता के द्वारा जो है ये बात बना दी गई है, तुम अब भक्त की सेवा करो। आगे कहते हैं देखो देवपति भरत प्रभाऊ सजल सुभाऊ विवस रग राऊ, मन थिर करहु देव डरु राही भरत ही जानी राम परछा। तो यहाँ कहते हैं देखो देवपति भरत की, हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, ये गुरुदेव, अगर आप ये कहेंगे कि ये पंक्तियां कौन कह रहा है, तो गुरु बृहस्पति जो है यहाँ पे ये पंक्तियां कह रहे हैं कि हे देवराज भरत जी का तुम प्रभाव तो देखो, सजन स्वभाव विवश रघुराव कि उन्होंने अपने सहज स्वभाव से ही भगवान को जो है रघुराव यानी राम जी को जो है अपने वश में कैसे कर रखा है। मन धीर करहु देव डरु नाही कि हे देवताओं भरत जी को श्री राम की परछाई जानकर तुम डरो नहीं, भरत ही जानी राम परछाई कि भरत जी की परछाई जानकर अब तुम डरो नहीं, अपने मन को स्थिर करो कि डर की अब कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये जो भरत है वो राम जी की ही परछाई है, यानी अब तुमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राक्षसों ने जो है इनको बहुत अत्याचार करते थे वो लोग देवताओं पे, तो इसलिए ये जो थे वो डरे हुए थे, उन्होंने कहा यही वो है जो उनसे भी तुम्हारी रक्षा करेगी। सुनि सुरगुर सुरसम्मत सोचू अंतर जामी प्रभु ही संकोचू, निज सिर भारू भरत जी जाना करत कोटि विधि और अनुमान। तो यहाँ कहते हैं देवगुरु सुनी सुरगुरु कि देवगुरु बृहस्पति और
सम्मत सोचू और सभी देवताओं की सम्मति यानी उनके विचार से अंतर्यामी प्रभु ही सक पहुंचू, और उनका उनकी सोच सुनकर प्रभु राम जी को भी संकोच हुआ। निज सिर भारू भरत जी जाना, कि भरत जी ने अपने मन में सब बोझा जो है अपने सिर में ले रखा है। करत कोटि विधि उर अनुमाना, और अपने हृदय में वे करोड़ों प्रकार के जो है विचार करने लगे। तो यहाँ आगे है, कार्य विचारो मन दिन ठीक का, राम रजायस आपन निका, निजपन तजे राखे उपन मोरा, छोहु सने किन नहीं थोरा। हाँ कहते हैं कि करे विचार मन दिन टीका, कि सब प्रकार से विचार करके अंत में जो है यही निश्चय किया गया, राम रजायस आपन निका, कि राम जी की आज्ञा में ही जो है अपना कल्याण है। निजपन तजी राखे उपन मोरा, उन्होंने अपना प्रण छोड़ कर मेरा प्राण रखा, अपना प्राण छोड़कर जो उन्होंने मेरा प्राण रखा। छोहू स्नेहू किन नहीं थोड़ा, और यह काम कृपा और स्नेह से जो है नहीं किया, अर्थात उन्होंने जो है अनुग्रह और प्रेम से जो है ये काम जो है किया है, कि उन्होंने अपनी प्रण को छोड़कर मेरा प्रण की बात सोची, अपनी आज्ञा हमारे कल्याण की जो है बात सोची। फिर जो है दोहा आ जाता है, किन्न अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, करी प्रणामो बोले भरतु जोरी कजल जुजुग हाथ। यहाँ कहते हैं किन्न अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, कि सीता नाथ यानी सीता के पति श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर बहुत ही अत्यंत जो है अनुग्रह किया है, मेरा मुझसे जो है उन्होंने हर प्रकार से प्रेम किया है। करी प्रणाम बोले भरत, भरत जी दोनों हाथों जोड़ कर प्रणाम करके बोले, जलज जुग हाथ कि जलज यानी कि कमल के समान, तो कमल के समान उन्होंने अपने दोनों हाथों को, उनके हाथों को कमल के समान बताया कि दोनों हाथों को जोड़ कर प्रणाम करके बोले। तो यहाँ चौपाई है, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन अति कल्पित झूला। कि हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र अम्बुनिधि यानी कि हे कृपा के समुद्र हे अंतर्यामी, कहो कहावो कि अब मैं क्या अधिक कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, कि गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मिट्टी मलिन मन पलकित झूला, कि मेरा जो ये मलिन मन है वो भी कल्पित इस पीड़ा से मिट गया है। सभी लोगों की भावना यहाँ जानकर मेरे अंदर की जो ये पीड़ा है दुख है वो हट गई है। अब यहाँ आगे है, अपडर डरेउ न सोच समुएलु, रबि ही न दोसु देव दिसि भूले, मोर अभागु मात कुटलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। अपडर डरेउ न सोच समुएलु, कि मैं इस मिथ्या डर से ही डर गया था, कि ये जो झूठ बात थी कि मुझे ये राज्य चाहिए था, ये चीज जो झूठ फैलाया गया था, मैं तो इसी डर से ही डर गया था। रवही न दोसु देव दिसी भूले, मेरी सोच की जड़ नहीं, जड़ ही न थी कि जब ये बात मुझे पता चली कि सोच न समूले, कि मेरी सोच की जड़ ही न थी, ये मेरे समझ में ही नहीं था, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। रवही न दोसु देव दिसी भूले, कि दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का कोई दोष नहीं, अगर कोई व्यक्ति दिशा भूल जाता है तो इसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं होता है। मोर अभागो मात कुटले, कि मेरा दुर्भाग्य, कि दुर्भाग्य है कि माता की कुटिलता, विधि गति विषम काल कठिनाई, और विधाता की टेढ़ी चाल, और इस काल की कठिनता है कि जो इस प्रकार से हम यहाँ हैं, इस प्रकार से इस रास्ते पे हम सभी आ गए हैं।
इसके कारण कोई अच्छा बन रहा है, कोई बुरा बन रहा है, तो ये सब इसी काल का परिणाम है। पांव रोपी सब मिली मोहि पाला मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति ना रावरी हुई, लोकल भेद विदित नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि पाव रोपी सब मिली मोहि पाला, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे जो है नष्ट कर दिया। प्रणत पालपन आपन पाला, परंतु शरणागत प्रणत पाल इनकी शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण जो है निभाया, मुझे जो है इससे बचा लिया, इन सब बातों से जो है बचा लिया। फिर कहते हैं यह नई रीति न रावरी हुई, यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, लोक ही वेद विदित नहीं हुई, यह लोक और वेदों में प्रकट है, कहीं भी ये बात छिपी नहीं है। आगे है जगु अन भल भल एक गोसाई, कही होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू काऊ। यहाँ कहते हैं कि सारा जगत जगु अन भल भल एक गोसाई, कि सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी एक आप ही भले हो। सारे जग में क्या है, बुराइयां हैं, बुराई करने वाला हो, किंतु मेरा भला करने वाला, मेरी भला सोचने वाला जो है आप ही हो। कही हो भलु कासु भलाई, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। देव देव तरु सरिस स्वभाव, कि हे देव आपका स्वभाव कैसा है। देव तरु यानी कि जो इस कल्प वृक्ष के समान है, सन्मुख विमुख न काहु काऊ, और वह ना किसी के सम्मुख है ना किसी के विमुख है, यानी कि आपका स्वभाव ऐसा है तो किसी के ना प्रतिकूल है ना अनुकूल है, आपके लिए सभी बराबर है, सभी एक समान है। फिर यहाँ दोहा है, जाई निकट पहिनवानी तरु, छा समनी सब सोच, मागत अभिमत पाओ जग, राव रकुंज रकु भलपोच। यहाँ कहते हैं जाए निकट पहचानी तरु, उस कल्प उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए। कि अब देखिए वृक्ष तो बहुत सारी है, लेकिन उस वृक्ष जो कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, सब छह समनी सब सोच, तो उसकी छाया की सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच कर मतलब जाए उस वृक्ष को पहचान करके जाए, वृक्ष तो आपको अनेक प्रकार से मिलेगी, लेकिन जब आप उस वृक्ष को पहचान कर उसकी छाया में जाएंगे कि वो आपकी सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। मागत अभिमत पाओ जग, राको रंज पलपो, कि राव यानी राजा रंक भल पोच, भले और बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते। तो सभी को क्या चाहिए, अपने मनचाही वस्तु चाहिए। कल्पवृक्ष से लोग क्या मांगते हैं, तो कल्पवृक्ष को देखते ही लोगों के अंदर यही इच्छाएं होती है कि हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ये सारी चिंताएं जो है वो सब हरने वाली है, सभी का नाश करने वाली है। अभी जो है इस कल्पवृक्ष से अपने मनचाही वस्तु ही पाना चाहते हैं। वहाँ पर चौपाई आ जाती है, लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब कर ना कर कीजिए सोहु, जनहित प्रभु चित्त क्षोभु ना हो। यहाँ कहते हैं लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, कि गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा जो ये क्षोभ है दुख है वो मिट गया है। मिटे हो क्षोभ नहीं मन संदेह, मेरे मन का जो ये क्षोभ था दुख था वो अब मिट गया है, मेरे मन में अब कोई भी संदेह नहीं रहा है, कोई भी शक नहीं रहा है। अब करुणा कर कीजिए सो, अब वही कीजिए जनहित प्रभु चित्त क्षोभ ना हो, कि जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ ना रहे, कि हे प्रभु अब वो काम करे जिससे
दास के मन में भी इस प्रभु के लिए कोई शोक कोई गिला ना रहे। आगे है, जो सेवक साहिब संकोची निज हित चहे तासु मति पोती, सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। यहाँ कहते हैं कि जो सेवक साहिबाही संकोची, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर निज हित चहे तासु मति पोची, अपना भला चाहता है कि केवल अपना भला चाहता है, स्वामी को भी संकोच में डालकर केवल अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है, पोची यानी कि नीच है। सेवक हित साहिब सेवकाई, कि सेवक का जो हित है वो तो सेवक के साहिब की अपने ईश्वर के हित में है, उनकी सेवा करने में है। करे सकल सुख लोभ बिहाई, ये सभी सुख और लोभों का त्याग करके अपनी सेवा स्वामी की सेवा करने में है। आगे है, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, ये रजाई कोट विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारू सकल सुकिल सुकृल फल सुगत निखारू सिंगारू। तो यहाँ कहती है कि स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, कि हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। ये रजाई कोट विधिनी का, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से जो है कोटि विधि, कि आपकी जो आज्ञा है उसका पालन करने में सभी का कल्याण है, हर प्रकार से कल्याण है। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, यह स्वार्थ और परमार्थ का सार है, सभी का निचोड़ है। सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू, की समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का ये श्रृंगार है। यानी कि जो आप लौट आएंगे ये सभी के लिए, सभी का इसमें स्वार्थ भी है और सभी का इसमें कल्याण भी है। तो चलिए आज मैं इतने ही पदों को लेती हूँ, बाकी का जो पद है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए मुझे इतना ही भी रोकना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो पद है वो मैं ले लूंगी और दोहे जो है वो मैं ले लूंगी। तो आप सभी को ये कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, और किस प्रकार के वीडियो चाहिए वह भी कमेंट करते रहिएगा, कोई जानकारी चाहिए तो वह भी बताते रहिएगा। धन्यवाद।